आधारित मूवी 72 हूरे 7 जुलाई को रिलीज होनी है, लेकिन इसके पहले आज दिल्ली में जेएनयू में आज इसकी खास स्क्रीनिंग की जा रही है। स्पेशल स्क्रीनिंग की तैयारी आज शाम 4 बजे की है। कन्वेंशन हॉल में इसकी स्क्रीनिंग होगी, लेकिन उसके पहले जेएनयू के बाहर की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़े बड़े बोर्ड्स यहां पर लगा दिए गए हैं। इसकी रिलीजिंग डेट तो 7 जुलाई है और ये मूवी संजय पूरन सिंह चौहान द्वारा डायरेक्टेड है, लेकिन आज जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर शाम 4 बजे इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग की जा रही है। इस मूवी को लेकर काफी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि अगर बात करें कश्मीर फाइल्स, द केरल स्टोरी और अब 72 हूरे, इस फिल्म की कहानी की बात करें तो यह आतंकवाद पे आधारित है कि किस तरह से आतंकियों के ब्रेन वॉश करके ये कहा जाता है कि जन्नत में आपको 72 कुंवारी लड़कियां आपकी सेवा में हाजिर होंगे, और इस तरह से ये कहानी पूरी बनाई गई है जो ट्रेलर से मालूम पड़ता है। लेकिन पिछली बार द केरल स्टोरी की जब स्क्रीनिंग जेएनयू में की गई थी तो कुछ छात्रों द्वारा इसका विरोध भी किया गया था, और इस मूवी को लेकर भी कुछ छात्र जो है वो विरोध करे, ऐसा शाम को किसी तरह का विवाद ना हो इसको लेकर भी खास तैयारी यूनिवर्सिटी में की गई है और सिक्योरिटी पर्पज का भी ध्यान रखा जा रहा है। फिलहाल आप यूनिवर्सिटी के बाहर की तस्वीर देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा शांति का माहौल है, क्योंकि आज अंदर अभी एग्जामिनेशन चल रहा है जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर, लेकिन आज शाम को बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। 72 हूरे की आज स्पेशल स्क्रीनिंग की जानी है, इसको लेकर तैयारियां भी काफी ज्यादा तेज है। और वहीं आपको दिखाते हैं इसी तरह से बोर्ड जो है वो अंदर भी लगाए गए हैं, और आज शाम 4 बजे बड़ी संख्या में छात्र पहुंचेंगे, किसी तरह का कोई विवाद ना हो इस मूवी को लेकर, क्योंकि पूरी टीम यहां पर पहुंचने वाली है। और पिछले बार भी केरल स्टोरी के दौरान जब ये मूवी यहां पे स्क्रीनिंग की गई थी द केरल स्टोरी की, तो कुछ छात्रों द्वारा इसका विरोध किया गया था, और आज ऐसी कोई तस्वीर ना हो इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि इसको लेकर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ाई गई है। और देखना होगा कि शाम 4 बजे जब इसकी स्क्रीनिंग होती है तो किस तरह की तस्वीर निकल के बाहर आती है।